काम करते हो, किसी एक ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हो, जैसे भारी सामान उठा रहे हो, डंबल उठा रहे हो, ठीक है, बार बार डंबल उठा। अब आप अपने हाथ के मसल्स को यूज कर रहे हो, कंट्रोल आपका ब्रेन कर रहा है, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है पूरा जो ऑक्सीडेटिव सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है पूरे के पूरे ग्लूकोज का, पूरा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है, उसके बाद जाकर के एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन जब तक होगी नहीं तब तक एनर्जी बनेगी नहीं, और ऑक्सीजन कम हो गया तो लैक्टिक एसिड बनने लगा। अब ऑक्सीजन ज्यादा लाने के लिए हमें सांस तेज करना है। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आता है हमेशा बहुत ही नए नए से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जिसमें हम आपको बताते हैं बहुत सारे न्यूज के बारे में, काउंसलिंग प्रोसेसेस के बारे में, फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में, कुछ कभी कभार मोटिवेशनल वीडियोस और हम पढ़ाते हैं तो आज हम पढ़ाने वाले हैं। और आज का जो हमारा सेशन है डाउट क्लियरिंग सेशन ऑफ बायोलॉजी, जो कि हम आपके लिए स्पेशली लेकर के आते हैं, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फीडबैक मैकेनिज्म, और फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये हॉर्मोन्स का है। तो हॉर्मोन्स जो है वहां से शुरू करते हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन्स जो होंगे इनको बोला जाता है केमिकल मैसेंजर। ऐसा क्यों बोला जाता है ये हम लोग समझ ले पहले। केमिकल मैसेंजर बोलने के पीछे का रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी ये बॉडी है, गुस्से में, अब आपकी बॉडी में आप कोई काम करते हो, किसी एक ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हो, जैसे भारी सामान उठा रहे हो, डंबल उठा रहे हो, ठीक है, बार बार डंबल उठा रहे हो, अब आप अपने हाथ के मसल्स को यूज कर रहे हो, कंट्रोल आपका ब्रेन कर रहा है, अब क्योंकि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है पूरा जो ऑक्सीडेटिव सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है पूरे के पूरे ग्लूकोज का, पूरा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है, उसके बाद जाकर के एनर्जी बनती है, तो ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन जब तक होगी नहीं तब तक एनर्जी बनेगी नहीं, और ऑक्सीजन कम हो गया तो लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। अब ऑक्सीजन ज्यादा लाने के लिए हमें सांस तेज करना है। हम क्या कर रहे हैं, अब हाथ से सामान उठा रहे हैं और हमको इस चीज के कारण अपनी सांस तेज करनी है, रेस्पिरेशन फास्ट करना है, ब्रीदिंग को इंक्रीज करना है। ब्रीदिंग जब इंक्रीज होगी तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आएगी, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आएगी तो उसको जल्दी जल्दी तक पहुंचाना भी पड़ेगा अपने टिश्यू तक, तो हार्ट को भी तेजी से पंप करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी तो स्वेटिंग करना पड़ेगा, तो ये अलग अलग काम होते हैं। अब काम कौन कर रहा है, शुरुआत किसने की, इसने, जरूरत किसकी है, हाथ की। अब हाथ की ये जरूरत जो है वो लंग्स को पता चले, डायफ्राम को पता चले और हार्ट को पता चले, ये जो काम होता है ये हॉर्मोन्स का होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलिए तो देखते हैं कैसे। जब आपके मसल्स एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो होगा क्या कि यहां पर ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होने से H2CO3 ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे HCO3 माइनस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया है। तो HCO3 माइनस का जो साइकिल होता है, ये जो HCO3 माइनस का साइकिल होता है, ये हमारे ब्लड में एक रिसेप्टर होगा जिसे हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं, एक कीमो रिसेप्टर इसे कैच कर लेता है। तो देखिए क्या होता है कि आपकी बॉडी में CO2 जो है HCO3 माइनस के फॉर्म में रहती है, तो जैसे ही HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हुआ, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन कम हो गई है। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे ही ब्लड पंप होता है हार्ट से, यहां से ऐसे हार्ट से जब ब्लड पंप हुआ, एओटा होता है, आर्क ऑफ एओटा, और यहाँ पर होती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा दोनों जगह कीमो रिसेप्टर होते हैं। कीमो रिसेप्टर का मतलब केमिकल कंसंट्रेशन को नापने वाले कुछ सेल्स होते हैं, उनको कीमो रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये HCO3 माइनस के कंसंट्रेशन को मेजर कर लेते हैं। हमारे पूरी बॉडी में ऐसे काफी सारे रिसेप्टर्स है, कहीं स्ट्रेच रिसेप्टर है, कहीं पेन रिसेप्टर है, कहीं कीमो रिसेप्टर्स है। सारे रिसेप्टर्स का सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। तो ये कीमो रिसेप्टर ने क्या डिटेक्ट किया कि ब्लड जो है उसमें CO2 ज्यादा आ रही है। CO2 ज्यादा आ रही है तो कीमो रिसेप्टर क्या करता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है,
हाइपोथैलेमस इस सिग्नल को मेजर करता है और उसके बाद वो बोलता है भैया अब तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हमको डायफ्राम को बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी वो पुश अप करे, पुल करे, पुश करे, पुल करे, ठीक है, और हार्ट को भी बोलना पड़ेगा कि वो जल्दी जल्दी से पंपिंग करे। तो ये इतने काम तो करने पड़ेंगे, ये दो काम इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपनी तरफ से एक सिग्नल भेजता है न्यूरल के, न्यूरल कंट्रोल के थ्रू एक न्यूरल सिग्नल भेजेगा। न्यूरल सिग्नल जो है वो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में जाने के बाद यहां से जो हार्मोन रिलीज होगा वो हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन, और एड्रिनलिन जो है वो हार्ट में अलग जाएगा और दरवाजा खटखटाएगा हार्ट का, और इधर लंग्स में जाएगा और लंग्स का भी दरवाजा खटखटाएगा, और जाके दोनों को बताएगा कि भैया CO2 जो है वो बॉडी में ज्यादा हो गई है। इसका मतलब ही यही है कि बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है, बस ये एड्रेनालिन का यही मतलब है। तो जाता है सेल के पास, जाता है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, खटखटाता है, वहां से एक और मॉलिक्यूल आता है GMP, GMP को जा करके ये हार्मोन जो हर हार्मोन केवल यही नहीं हर हार्मोन GMP को बता देता है, और उस ऑर्गन के सेल्स अब नए तरीके से काम करते हैं, अपना काम को या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। जैसे यहाँ दोनों ही जगह पर इंक्रीज होगा, काम जो है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये एड्रिनलिन ने क्या किया, एड्रिनलिन ने हाइपोथैलेमस का मैसेज कि भैया CO2 जो है वो कम हो गई है, सॉरी CO2 जो है वो ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई है, ये मैसेज को किसने पहुंचाया, इस मैसेज को एड्रिनलिन ने पहुंचाया, इसलिए इसे कहा जाता है केमिकल मैसेंजर। इसे क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहा है, ये रेट इंक्रीज नहीं करवा रहा है, वो बस एक ऑर्गन को ये बता रहा है कि दूसरे ऑर्गन को किस चीज की जरूरत है। क्लियर है, अगर RBC कम में होने लग जाएगी तो किडनी से एक हार्मोन निकल करके जाकर के बोन मैरो को बताएगा भैया RBC कम हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बनाओ, जरूरत है, तो आप बोन मैरो फिर बनाएगा। वरना एक ऑर्गन को क्या पता दूसरा ऑर्गन क्या करना चाहता है, दूसरे ऑर्गन को क्या पता कि तीसरा ऑर्गन क्या करना चाहता है। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है, हार्मोन को रिलीज करवाना फीडबैक कहलाता है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि हर हार्मोन में सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, पिट्यूटरी से ये सिग्नल जाता है किसी तीसरे एड्रिनल ग्लैंड पर, सॉरी तीसरे ग्लैंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्लैंड का नाम ले लेते हैं टेस्टिस, टेस्टिस पर, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस क्या बनाकर रिलीज करता है, GRH इसके रिस्पांस में गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स के रिस्पांस में टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है तो हाइपोथैलेमस के पास सारे रिसेप्टर है, अभी बताया था कीमो रिसेप्टर है, तो टेस्टोस्टेरोन क्योंकि ब्लड में रिलीज होगा तो इस टेस्टोस्टेरोन के रिलीज के कंसंट्रेशन को हाइपोथैलेमस मेजर करता है। जैसे ही उसको लगता है कि सफिशियंट अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया है वो GRH को रिलीज कराना बंद कर देता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन खुद जा करके हाइपोथैलेमस को बताता है भैया हम रिलीज हो गए हैं, अब आप रुक जाइए, GRH रुक जाता है। जब तक टेस्टोस्टेरोन कम है तब तक हाइपोथैलेमस जो है वो GRH को रिलीज करता रहता है। तो हाइपोथैलेमस ने GRH रिलीज किया और GRH पिट्यूटरी में जाके गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाता है। तो GRH जो है पिट्यूटरी में पॉजिटिव फीडबैक देता है और गोनाडोट्रोपिन टेस्टिस में जाकर के टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक देता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जब यहां पर जाता है तो हार्मोन हाइपोथैलेमस से GRH हार्मोन का रिलीज रोकवा देता है, तो नेगेटिव फीडबैक देता है। तो जब भी हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए केवल हार्मोनल फीडबैक नहीं होता, जैसे वो मसल का स्ट्रेच था वो एड्रेनालिन को रिलीज करवा रहा है, डर लगना, तेज भागना, ये एड्रेनालिन रिलीज करवा रहा है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। जब आप शांति से ध्यान करते हो एड्रेनालिन रिलीज होना बंद हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, और फीडबैक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने है। अब अगर आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारा मस्त मस्त वीडियो है, देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।